एवरीबॉडी, लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक नंबर सिस्टम। ओके, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है रैशनल नंबर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सारे नंबर सिस्टम्स के बारे में बताया था। तो आज हम फाइंड आउट करेंगे, दो आपको रैशनल नंबर गिवन है उनके बीच में चाहे 5 मांग पूछे, वो 10 पूछे, जो भी पूछे वो आपको निकालने हैं। ओके, 5 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन द गिवन नंबर्स, तो इनके बीच में 5-5 निकालने हैं। देखो ये बहुत आसान है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे रैशनल नंबर्स को हम प्लस माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं, हमें वही डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके, और फिर हम न्यूमरेटर में देख लेंगे अपना आंसर कैसे, अभी मैं आपको वो बता रही हूं। 2 एंड 5, अब 2 और 5 के बीच में 3, 4 दो नंबर ही हमें पता है, तो वो हमें निकालने हैं 5 नंबर। तो हम कैसे करेंगे 5 नंबर्स, तो हम तो इसके लिए मेथड है आपका 2 एंड 5। ओके, पहला स्टेप है डिनोमिनेटर शुड बी सेम। तो आपको अभी बताया 2 कैन बी रिटन एज 2/1 एंड 5 कैन बी रिटन एज 5/1। ओके, अब 1 और 5 क्या हो गया भाई, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब 2 और 5 के बीच में वी हैव 2 नंबर्स, हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास 5 नंबर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर द शेप ऑफ कन्वीनियंस आई एम मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10 इन बोथ नंबर्स। दोनों में मैं इनको 10-10 से मल्टीप्लाई कर रही हूं। ओके, ये देखिए अब है 20 एंड 50 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो आप कोई भी 5 लिख दीजिए, तो आपका आंसर क्या है 21/10, 22/10, 25/10, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है ना, 30/10, 35/10, कुछ भी, बट द नंबर शुड लाई बिटवीन 20 एंड 50। ये हो गया। ओके, नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन पार्ट। फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम लाइक दिस, 1/7 एंड 3/7। क्या है भाई, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। ओके, अब लेकिन हमें चाहिए इसमें 5 नंबर्स, तो आप चाहे 10/10 से कर लो, देखो इसमें मैं 5/5 से कर रही हूं, ठीक है, 5/35 एंड 15/35। अब देखो 5 और 15 के बीच में कितने नंबर है, 5 नंबर्स तो हमें मिल ही जाएंगे ना, 6/35, 7/35, 8/35, 9/35, 10/35 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट स्टेप इज यू शुड मेक द डिनोमिनेटर सेम। दोनों नंबर्स जिनके बीच में आपने रैशनल नंबर निकालने हैं उनका डिनोमिनेटर सेम करो। गिवन है तो बहुत आसान है, और नहीं गिवन तो आपको करना। अब इसमें तो 1/1 हो गया, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इनमें आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, और वो आपने पढ़ रखा है फोर्थ फिफ्थ से आप पढ़ते आ रहे हैं। डिनोमिनेटर कैसे सेम करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके सेम करते हैं, वही मेथड है यहां, एलसीएम लेके हम सेम। ओके, डिनोमिनेटर सेम करके आपने ये सारा, तो अभी हम इन दोनों को देखते हैं, वही एलसीएम लेके जो हम इसको सेम करते हैं ना, जो प्लस माइनस में आप एलसीएम करते हैं, क्या करते हैं आप एलसीएम लेते हैं, फिर फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आंसर आया न्यूमरेटर से उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यही हम 2 क्वेश्चन करेंगे, 1/3 एंड -1/2। देखो 1, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, है ना, आपको वैसे ओरली भी पता है। अब 6 इज डिवाइडेड बाय 3, 2, 2 into 1, 2। नाउ 6 इज डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 3 एंड हेयर -3। नाउ लुक एट 2 एंड -3, 2 एंड -3 वी हैव 1, 2, -1, -2, -3। हाउ मेनी नंबर्स वी हैव, 1, 2, 3, 4। ओके, 4 नंबर्स आर देयर एंड वी वॉन्ट 5, तो हमें 5 चाहिए, यहाँ पे 4 है, तो इसलिए अब हमें इसे 10/10 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, ये मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। नाउ बिटवीन -30 to 20, सो मेनी नंबर्स आर देयर, ठीक है ना, -30 से 20 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इनमें से आप कोई भी ले लीजिए। ओके, 9, अब आपका आंसर हमें 5 नंबर्स चाहिए, तो आंसर इज क्या लिखेंगे आप, माइनस, चलो यहां से ले ले तो -15/60, कम है यार 19/60,
18 अपॉन 60, ओके 17 अपॉन 60 एंड 16 अपॉन 60, ओके दीज ऑल आर लाइन बिटवीन 20 टू माइनस, लाइन बिटवीन 20 एंड माइनस 30, ओके. नाउ आवर नेक्स्ट इज दिस वन, दिस इज सेम. आई चेंज दिस क्वेश्चन, ओके. आई मेक इट 2 अपॉन 7, अदरवाइज द क्वेश्चन बिकम्स द सेम, है ना. पहले वाले जैसा ही होगा था, बस इंटीजर का वही होता. तो हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं. थर्ड इज अवर 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 7. एलसीएम ऑफ 2 एंड 7 इज कितना होगा, 14, ओके. अब इसको इससे किया तो ये आया 7 और 7 टू 2 इंटू 2 4, ओके. 4 और 7 के बीच में नंबर होता है कोई, फिर से भाई 10 बाय 10 से मल्टीप्लाई करो. चलो अगेन आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन, मैं इसको फिर से कर देती हूं आपका माइनस 1, माइनस 1 अपॉन, ओके. अब इस केस में माइनस 7 और 4 के बीच में हमारे पास बहुत सब 5 से ज्यादा ही नंबर है, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1. अब इस केस में हमें 10 बाय 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ऐसे ही इन न्यूमरेटर्स के बीच में ही वी कैन फाइंड आउट अवर 5 रैशनल नंबर्स, ओके. तो आंसर इज माइनस 6 अपॉन 14, माइनस 5 अपॉन 14, माइनस 4 अपॉन 14, माइनस 3 अपॉन 14 एंड माइनस 2 अपॉन 14. तो आपको क्या है प्रोसीजर पूरा, पहला स्टेप आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. अगर न्यूमरेटर पे हमें नंबर्स मिल रहे हैं तो इट्स ओके, हम सीधा निकाल लेंगे. और अगर हमें नहीं मिल रहे तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही सेम नंबर होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द क्वेश्चन. देखो 10 बाय 10 क्या होता है, 1, ओके. जब आप इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाओगे तो दिस इज 2 अपॉन 6, आप जब इसको लोएस्ट टर्म में लेके जाओगे तो दिस इज माइनस 1 अपॉन 2. तो लॉजिक यह है कि हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना, ओके. तो ये आप ऐसे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ये पूरा आपका मेथड है.